गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर तीन कंडीशन हमने पढ़ लिया था। कौन कौन सा? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे हो, फिर हम इनफाइनाइट और सेंटर के थोड़ा सा पास लाते हैं, मतलब उसके बीच में रखते हैं, मतलब सेंटर से दूर रखते कहीं भी, बट इनफाइनाइट से थोड़ा आगे। फिर तीसरा हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें, सेंटर पर रखें। तीन कंडीशन हमने पढ़ लिया था और हमने देखा था कि इमेज कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है। अब हम उसके आगे जो कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन वो हम देखेंगे। अभी सेंटर पर रखें तो अब सेंटर और फोकस के बीच पर रखेंगे, यानी इमेज हम ए ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रखेंगे, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोल होता है, इधर हमारा क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना है, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर फोकस इसके बीच में हम कहीं पे भी रख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहाँ से कर जाएगा, फोकस से, कहाँ से कर जाएगा, ए फोकस से होकर जाएगा। और हमने कल बताया था कि जब ए फोकस ऐसे होकर जाएगा, ए इस तरीके से, तो जब फोकस होकर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इमेज कट कर रहा है, ये जो रे आपस में कट कर रहे हैं, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, बिहाइंड सी, मतलब सी के पीछे कट कर रहा है, यानी हमारा जो इसमें इमेज बनेगा, इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड सी, मतलब सी के पीछे बनेगा। और तीसरा, सॉरी, पहला तो हमारा पता चलेगा कि हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा, ए सी के पीछे, बिहाइंड सी। इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड चीज, इसकी साइज के बारे में बात करते हैं। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा ए ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, उसका इमेज हो गया, क्या हो गया, ए से लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से हमारा बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट ए। अब हम बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। तो हम देख रहे हैं नेचर ए सीधा था, बन गया कैसा हमारा, उल्टा, और ये क्या होगा, रियल होगा। तो हमारा जो तीसरा होगा, हमारा इमेज का नेचर होगा, उसमें हमारा क्या लिखेंगे, इसके ए कैसा बनता है ना, तो हम देख रहे हैं हमारा क्या हो गया, इनवर्टेड, इनवर्टेड और कैसा बना है, रियल। तो स्टूडेंट ध्यान देना कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, बिहाइंड सी ए, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर हम सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, सेंटर के पीछे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बियॉन्ड सी, यहाँ पे बियॉन्ड सी लिख के हम क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जैसे आपको समझ में है। और हमारा इसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, इनवर्टेड होगा, और कैसा होगा, रियल होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे, कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर, एट फोकस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस रखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। अब ए इसका मिड पॉइंट होल हो गया, इधर हमारा क्या हो गया फोकस, और यहाँ पे हमने क्या हो गया हमारा सेंटर हो गया। अभी हम सेंटर और फोकस के बीच में रखे थे, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो हमने बताया था कि जब इसकी जो रे होगी, मतलब इस पे लाइट पड़ेगा तो इसका रे निकलेगा इमेज के लिए, शैडो के लिए, तो जो इमेज होगा ये रे होगा, इससे जब टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से कर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। कहाँ से कर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी कोई रे इसके पोल से ऐसे जाकर इस पे टकराता है, इससे जब रिफ्लेक्ट होगा तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है ए, इसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा और यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगा ए, इस तरीके से। तो इस तरह से आपस में कहीं कट तो नहीं करते, बट मान लेते हैं हम कि आपस में जाके इनफाइनाइट पर मिलेंगे। तो हम अगर इसके इमेज के पोजीशन के बारे में बात करें तो कहाँ पे हमारा बनेगा, एट इनफाइनाइट, कहाँ बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। और कैसा बनेगा, हाईली लार्ज, मतलब बहुत बड़ा बनेगा, हाईली लार्ज ये हो जाएगा। फिर वही हमारा क्या बनेगा, नीचे ही बनता है तो कैसा होगा, इनवर्टेड एंड रियल होगा। जब हम कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पर रखेंगे, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, बहुत बड़ा है, बनेगा हाईली लार्ज एंड। और कैसा बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, इनवर्टेड एंड रियल होगा। अब हम लास्ट बात करते हैं, इसको हम कहां पर रखेंगे, अब कहां पर रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हमारा हो गया ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पे हमारा क्या हो गया, ए कॉन्केव मिरर हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, इधर हमारा क्या हो गया फोकस हो गया, इधर हमारा क्या हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर रखना है, पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये हमारा जाएगा इधर ऐसे पैर, ए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो किधर से निकलेगा, फोकस निकलेगा। और जब ऐसे जाएगा पोल से टकराएगा तो इधर से ऐसे निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका एक लाइट इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता होगा, हमें प्रतीत होगा ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हमें प्रतीत होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज, ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। सो स्टूडेंट्स यही हमें ध्यान रखना है लास्ट कंडीशन में कि जब भी हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, जो मिरर है ये हमारे मिरर, उसके क्या बनेगा, एक कह सकते हैं लेफ्ट वाले साइड में, लेफ्ट यानी मिरर के पीछे, समझ में आ रहा, बियाइंड मिरर, मिरर के क्या बनेगा, पीछे बियाइंड मिरर। और दूसरी चीज हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इसका जो इमेज बनेगा ये ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और इसमें जो हमारा होगा, अब इस पे देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो रे था वो तो नहीं गया है, एक हमें आभास हुआ, एक प्रतीत हुआ कि ऐसे गया है, बन गया। तो यहाँ से जो इमेज बनेगा हमारा क्या होगा,
वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अभी समय तो रियल बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब भी हम देख रहे थे समय हमारा क्या बन रहा था, नीचे बन, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, ऊपर, यानी हमारा इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ए स्टूडेंट्स यही है, अब इसमें हम लोग को बस फोकस क्या करना है, हमने ये चीज देखा है कि हम ऑब्जेक्ट को जितना पास लेकर आ रहे थे मिरर के, इमेज उतना ही क्या हो रहा था, दूर भाग रहा था। पहले हम इनफाइनाइट पर रखे तो फोकस पे था, यहाँ पर रखे तो फोकस से दूर गया, जब सेंटर पर रखे तो सेंटर। तो ऐसे हम देख रहे थे कि जितना हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते इमेज हमारा उतना ही क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। तो बस यही स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, बाकी चीजें हमने बता दे, आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा, इसको ये जो इमेज इन्फॉर्मेशन को बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक दो बनाने के लिए, डे डायग्राम दिखाने के लिए एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो स्टूडेंट इसको लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।